हमारे साथ बाबा बालकनाथ जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। इस वक्त बहुत उस समय करीब आ गया है, वो मतलब मैच का दिन आ गया। आपको क्या लग रहा है, किस तरह से तैयारी चल रही है इस पूरे क्रिकेट मैच की? देखिए, बहुत अच्छा उत्साह है सब में और बहुत ही विकास के लिए सब लोग समर्पित हैं और विकास को सब लोग लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार का माहौल पूरे तिजारा भिवाड़ी क्षेत्र में हमारे अलवर में है और बहुत लोगों को उम्मीद है और आने वाले समय पर एक बहुत ही अच्छे से विकास भी होगा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी होंगी और कानून का शासन होगा। बहुत अच्छा माहौल है। इसको देखा जाए सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आपका वो बयान भारत पाकिस्तान के मैच की तरह है, उस पर अगर आप एक बार फिर से थोड़ों को समझाना चाहें कि आखिर में वो क्या बोल। असल में क्या है कि इन कांग्रेस के लोगों ने इनके साथ मिले हुए कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के सोच जो तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, यहाँ देश में शांति का माहौल है जो उसको खराब करने की कोशिश करते, धर्म परिवर्तन के कार्य करते हैं, ऐसे संगठनों का इस चुनाव के अंदर एंट्री हुई और ये लोगों ने इस इमरान को जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, क्योंकि इसको यहाँ पर सब लोग भिवाड़ी में इस तिजारा क्षेत्र में इसको तालिबानी बोलते हैं सब लोग, तो जिस तरह से इनका रवैया है और मेव समाज को जिस प्रकार से लोगों ने दबाया, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया, उन लोगों पर बंदिशें लगाई, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा, इवन मेव समाज को ये कहा गया है कि आप लोग बाज़ार भी नहीं जाओगे, आप लोग मार्केट भी नहीं जाओगे, ताकि आप लोग दिखने नहीं चाहिए, ताकि लोगों में आप कोई, क्योंकि कोई ना कोई गलत हरकत करने वाले लोग भी उनके अंदर होते हैं। बाकी मेव समाज को इन लोगों ने दबा के रखा है, ना उनको विकास होने देते, ना उनके बच्चों को पढ़ने देते हैं ये लोग। और इस तरह से जिस चुनाव में इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा और बाहरी जो देश विरोधी ताकतें इसके अंदर उनकी भूमिका नज़र आने लगी है, पैसा भी बाहर से आया है, तो उसके नज़रिए से हमने कहा कि जिस प्रकार से ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के सोच के लोग हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव को एक तरह से इस तरह से लिया है, तो उस भाव से हमने वो शब्द बोला था।